हाय गाइस, आज हम जा रहे हैं हाईलैंड्स अपने स्कूल के स्कूल ऑफ बिजनेस की तरफ से। बाकी आगे की डिटेल्स ये बताएगी। हमको 8 pounds पड़ा ईच और हम जा रहे हैं eight pounds ही बोला मैंने। अब हम देखते हैं कि कैसा होता है, क्योंकि अब जाने से पहले हम सोच रहे थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे और हमने खाना भी पैक कर लिया। ऐसे बहुत लेट हो चुका है तो हम चलते हैं, आपको चलते हुए रास्ते में दिखाते हैं। बाय बाय। बैठ गए हैं, हमारी सवारी चलेगी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी भी बाकी लोग बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हैं। So we finally reached Pit Lockery. See our group. One of the guy is a bit shy, but that's okay. अब हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करेंगे आपको भी दिखाएंगे। ये डैम चलते हैं, थोड़ा क्लोज से एक्सप्लोर करते हैं। That is the way this place. वो देखो वही है हमारा विजिटर्स प्लेस। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा मिलेगा। ये डैम आप देख सकते हो, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट ये स्टेप बाय स्टेप वाटर उतर रहा है और ये रिवॉल्व कर रहा है पानी हर स्टेप में, और हर स्टेप का लेवल एक दूसरे से कम है। मुझे लग रहा है ये शायद एक प्रोसेस है फिल्टरिंग का, बट आई एम नॉट श्योर। हाँ वो तो पावर प्लांट के लिए, पर वो पावर प्लांट वाला उस साइड में है, पर ये क्यों है ये नहीं पता। पता नहीं, ये भी हो सकता है। हाँ सॉरी, ये देख सकते हैं हर स्टेप पे पानी कम होता जा रहा है और हर स्टेप पर रिवॉल्व हो रहा है पानी। This place is so beautiful. और ये दो हमारे दोस्त आगे जाते हुए,
आदि, ये हमारा फोटोग्राफर घूम गया था, मिल गया अभी। भाई मैं ऊपर क्या था? ऊपर भी सेम ट्रैक है। आई थिंक चर्चेज ऊपर में, बट टाइम नहीं बचा इतना क्योंकि हमें विद इन 30 मिनट्स पहुंचना है। हाँ, 20 मिनट्स का वॉक है अभी। ठीक है, लगा बच्चा वो भी दिखाएगा ना। मुझे लगा मछली मिलेगी यहाँ पे खाने को। वो दिखाएगा सालमन का कैसे ब्रीडिंग करते हैं। ओहो, सालमन फिश मिलेगी क्या? फिश नहीं मिलेगी। नीचे देखते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि रियल टाइम वीडियो बनाते बनाते एक्सीडेंट ही हो जाए। बहुत पीसफुल सी जगह है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी कम है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और आगे जो जा रही है वाइट कलर की, वो हमारी दोस्त है जो भाग रही है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, वीडियो करने भाग रही है। हमारे कुछ फ्रेंड्स थोड़े बहुत कैमरा शाई तो हैं, कुछ नहीं, ज्यादातर लोग ही है। ठीक है, Now we have explored the Pitlochry Dam. Actually, ये बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे पानी है और काफी ज़्यादा फोटोजेनिक है। हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक किए और चलने वाला रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत अच्छा है ये। हम सारे फोटोज अपलोड करेंगे इंस्टाग्राम पे, उसके लिए हम अपना हैंडल छोड़ देंगे, आप वहाँ जाके हमारे ब्यूटीफुल फोटोज देख सकते हो। ये देखो वाटर कितना सुंदर है। चलो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको भी दिखाते रहेंगे। अब हम जा रहे हैं वापस, बट यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। बिल्कुल शांति है। और हम थोड़ा लेट भी हो चुके हैं, तो हमें भागना होगा जल्दी जल्दी। हम हर जगह ही लेट हो जाते हैं। हाँ। किसके चलते होते हैं? प्रशांत और मधिया के चक्कर में होते हैं। ये कौन है? ये लोग कौन है? हाँ। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? पता नहीं, मधिया खान। और आगे हमारा प्यारा ब्रिज, फटाके मजिया खान उतार देते घूम के आना। वापसी में तुमको ले लेंगे। मैं नहीं जा रहा। कितना सुंदर है, एकदम जैसे मूवीज में दिखता है ना पेड़ लंबा लंबा, एग्जैक्टली वैसा ही है। हमारा दूसरा बस
ये बंदा देखा देखा क्यों लग रहा है मुझे, वही है क्या डॉली के बर्थडे में आया था? मैं जूता ही पहन कर जाता हूँ, इतना गड़ रहा है ना, अरे पत्थर तो चारों बगल है। आदि सबसे मस्त आदि किसी को भी पकड़ लेती है। पर वो बंदी सही पकड़ी है। मोई मोई हो जाएगा आदि तेरे साथ अभी। एक भाई एक फोन को पानी के अंदर डाल के फोटो ले। ये देखो हमारे कुछ फ्रेंड्स वहाँ हैं। अभी हम आ गए हैं केनमोर होटल के पीछे, व्यू आप देख सकते हो यार, बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा प्यारा है देखो, और बहुत ज्यादा शांति है। हाँ अभी हम उस जो ब्रिज दिख रहा है पीछे, कोशिश करेंगे ब्रिज के पास जाने का। हाँ देखते हैं हम जा पाते हैं या नहीं। हाँ। क्योंकि हमारे पास 15 मिनट्स बाकी है, 15 मिनट्स में वो ब्रिज में जाना है और इसके बाद वापस आना है। कोशिश करेंगे हो जाएगा, क्योंकि मेन रोड से जाएंगे तो बस हमारा ब्रिज के पास ही लगा हुआ है सामने। हाँ। तो हम जा सकते हैं, कोशिश करते हैं दिखा पाए आपको या नहीं। अभी हम जा रहे हैं अपने ब्रिज के तरफ, पहले थोड़ा यहाँ का नज़ारा ले लें। बहुत सुंदर प्लेस है, काफ़ी शांति है यहाँ पे। और वो हमारे दो दोस्त, ये करण अर्जुन। क्या करण अर्जुन, क्या आ जा भाई, आ जा आ जा यार, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। क्या नाउ वी आर लिविंग दिस प्लेस एंड गोइंग टुवर्ड्स केलन। बट तुमने फोटोज नहीं लिए ना, हमने लिए। जस्टिस नहीं कर पा रहा, इतना सुंदर है, जितना पर्सनली हम फील कर सकते हैं ना उतना जस्टिस नहीं कर पा रहा कैमरा। ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था, हम काफी ज्यादा पानी के पास आ गए हैं। हाँ जैसे कि देख सकते हो तो पानी बहुत गंदा है, इसलिए सामने जाने का और मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। गंदा नहीं, कलर थोड़ा अजीब दिख रहा है। हाँ, मतलब बहुत झाग भी है, बहुत सुंदर है। हाँ। और लोग बैठ के फोटोज खिंचा रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर है, हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ फोटो खिंचाना है। क्या हो तो बस यही है।